इलेक्ट्रिशियन आईटीआई पीडीएफ निमी पीडीएफ सॉल्व करेंगे सेमेस्टर थर्ड की, जिसमें सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, डीसी जनरेटर। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन लगते हैं सबसे पहले कि डीसी जनरेटर में एक्स रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, यानी कि जो एक्स ये दिया गया भाग है जिसका कोई जिसका नाम यहाँ पे एक्स बताया गया है, इसका क्या नाम होगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपके, सी कम्यूटेटर। इसका क्या राइट होगा, कम्यूटेटर। और आपको ध्यान हो तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, डीसी टू एसी। ठीक है, और ये इसे यांत्रिक रेक्टिफायर के रूप में भी जाना जाता है, यांत्रिक रेक्टिफायर के रूप में। ठीक है दोस्तों, और ये कम्यूटेटर बना किसका होता है, फास्ट ये कम्यूटेटर बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर का। किसका बना होता है ये, हार्ड ड्रॉन कठोर कर्षित तांबा का बना होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, डीसी जनरेटर क्वेश्चन नंबर दो, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका क्या नाम होगा डीसी जनरेटर का। देखो इसमें आपको एक चीज़ देखनी होगी, इसमें फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, इसमें फ्लक्स क्या है आपके, एक दूसरे के विपरीत है। और विपरीत का मतलब क्या होता है, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये वाला यानी कि ये डिफरेंशियल होगा। इतना तो पता होगा कि डिफरेंशियल जब भी जनरेट डिफरेंशियल का नाम आता है तो संट और सीरीज एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और यहाँ पर जो फ्लक्स है वो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध। तो यहाँ से तो नाम पता चल गया डिफरेंशियल, लेकिन ये क्या है, ये लॉन्ग शंट कंपाउंड है। और लॉन्ग शंट का मतलब क्या होता है कि ये सीरीज वाइंडिंग प्लस आर्मेचर के पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के जनरेटर का नाम कौन सा हो जाएगा आपके, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस नियम का उपयोग किया जाता है, तुरंत बताइए जल्दी दोस्तों। तो देखो, कौर के स्क्रू का नियम नहीं हो सकता है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है एमबी, एमबी याद रखो, एमबी का मतलब होता है बाएं हाथ का नियम। और ये मोटर में काम आता है, किस में काम आता है, ये मोटर में काम आता है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन होगा वो तो कौन सा होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, कौन सा आ जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फिर क्वेश्चन चार लेते हैं आपके, क्वेश्चन फिर आ रहे हैं, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने जो सूत्र दे रखे हैं इसमें से कौन सा सूत्र होगा, तो पता कीजिए जल्दी से क्या हो सकता है इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी, यानी कि ई बी बराबर फाइ जेड एन पी अपन 60 × A। और इसमें भी दो प्रकार का काम करता है, दो प्रकार के, क्योंकि डीसी जनरेटर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग जिसमें ए बराबर पी होता है, और वेव वाइंडिंग जिसमें ए बराबर टू होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सी, इसका ऑप्शन नंबर तो क्या हो जाएगा, सी। ये लेकिन यदि आपसे पूछता है कि लैप है या वेव है, तो लैप वाइंडिंग में तो आपके यही सूत्र लगता, और यदि वेव पूछता तो यहाँ पर आपके क्या हो जाता, 60 की जगह यहाँ 2 आ जाता, और आंसर पूरा चेंज हो जाता, यहाँ कितना आ जाता, 120। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चार का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ फ्लक्स है जेड, समांतर कंडक्टरों की संख्या है एन, एन स्पीड है, पी पोल है, ए समांतर पथों की संख्या है, और 60 टाइम कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में, एक डीसी मोटर में ईएमएफ ज्ञात करने का सूत्र कौन सा हो सकता है दोस्तों, तुरंत बताइए आप। ठीक है, तो आपको पता है इसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि जैसे ये मोटर है, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है,
और यहाँ इस मोटर को आप सप्लाई देते हो, यहाँ से यस सप्लाई सोर्स देते हो, तो यहाँ से इसका बैक ईएमएफ, तो ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा वी, ठीक है, यानी कि वी बड़ा है, तो आपको बैक ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला पूछा है, तो वी माइनस आई ए आर ए, ठीक है, तो इसमें देखो वी बराबर ई बी माइनस बी माइनस आर ए, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? इसमें एक्स में चिन्हित का जो भाग का नाम है वो क्या हो सकता है आपके, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपके, ये आपके हो जाएगा फॉल्स सूज, क्या हो जाएगा आपके फॉल्स सूज। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, जनरेटर का क्या नाम है, यानी कि डीसी जनरेटर का नाम पूछा है आपसे, ठीक है, डीसी जनरेटर का क्या नाम है, तो आप बताइए जल्दी से इस जनरेटर का क्या नाम होगा आपके सामने। ठीक है, तो इस जनरेटर का नाम आपसे है डी ऑप्शन, इसका इसका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन, अलग से डीसी जनरेटर दिया गया है, ठीक है, क्या हो जाएगा अलग से उत्तेजित जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, क्यों सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का मतलब अलग से सप्लाई से चार्ज करके फिर जनरेटर को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, चार्जर के द्वारा उसको चार्ज करके फिर उसको सप्लाई दी जाती है, ठीक है, अलग से उत्तेजित। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, कौन सी ऊर्जा होती है इसमें जनरेटर में, सर यांत्रिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम पूछा है आपसे, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कि डीसी जनरेटर इस फील्ड का क्या नाम है, तो जल्दी से बता दीजिए आप इस फील्ड का क्या नाम होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए इसका क्या नाम होगा, ये एक दूसरे की सहायता करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपके, कम्युलेटिव, इसका क्या हो जाएगा आपके, कम्युलेटिव डीसी जनरेटर, ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, जनरेटर का सिद्धांत क्या है, जनरेटर का सिद्धांत अभी तो बताया था मैंने आपको, जनरेटर का सिद्धांत क्या है, ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से बता दीजिए, फ्लेमिंग के दायरे ना आपका नियम जी डी, ठीक है ना, तो आपके क्या हो जाएगा आपके, जनरेटर का पूछा है आपसे तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, डीसी जनरेटर पूछा है आपके, जनरेटर का सिद्धांत क्या है ये, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके डी, फैराडे का इलेक्ट्रिक सिद्धांत, ठीक है। फिर गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है, तो इसके लिए भी आपको पता है, इसलिए अल्टरनेटर में भी काम आता है गतिशील प्रेरित, क्योंकि वहाँ पर भी कंडक्टर गतिशील होता है, तो वहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके सी, VLV साइन थीटा वोल्टेज, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फिर 12 लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है आपको, ठीक है, तो किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं हम, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से अपन ज्ञात कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। डीसी जनरेटर का भाग का क्या नाम है, ये क्या है एक तरह से आपके योक या फ्रेम, ये क्या हो जाएगा आपके योक या फ्रेम लास्ट, ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 हम लेते हैं 14 कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होंगे, आपसे जैसे पूछा है तो जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आपको पता है जनरेटर डुप्लेक्स लैप, लैप और वेव है, इसमें तो क्या है ए बराबर पी है और यहाँ तो ए बराबर 2 है, तो 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने होंगे, 8 होंगे, क्योंकि डुप्लेक्स है, 4 तो ऑलरेडी होंगे, इनटू डुप्लेक्स का मतलब डबल, तो कितना हो जाएगा सी, ठीक है। फिर
फिर डीसी जनरेटर का भाग का नाम बताइए, इसका क्या नाम है सर? डीसी जनरेटर का भाग का क्या नाम होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपके इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आर्मेचर कोर लेमिनेशन। फिर डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो ये आर्मेचर के श्रृंखला क्रम में जुड़े होते हैं। ये आर्मेचर के किस क्रम में जुड़े हुए होते हैं? श्रृंखला क्रम यानी कि सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं, ऑप्शन ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में रेडियल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता क्यों होती है? वोल्टेज का निर्माण करना, फील्ड करंट कम करना, आर्मेचर करंट कम करना, आउटपुट नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जो राइट आंसर होगा, क्योंकि वोल्टेज बिल्डअप करेगा चार्ज करने के लिए एक अलग से दिया, सेल्फ एक्साइटेड करते हैं सेपरेटली नहीं, मतलब एक स्वयं सेल्फ एक्साइटेड के लिए, तो वोल्टेज का बिल्डअप वोल्टेज, तो बिल्डअप वोल्टेज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मशीनों में कौन से दो बिंदु जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। मशीनों में कौन से दो बिंदु जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके राइट होगा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच वाला प्रतिरोध। फिर क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं, विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क्स एज एक्स? किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? यानी कि इस जो ग्राफ में दिखाया गया है लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में जो एक्स भाग चिन्हित है, इसको किस नाम से दर्शाया गया है, इसे ग्राफ में किस नाम से जाना? तो इसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर? कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी हो? ठीक है, ओनली आर्मेचर के साथ जुड़ी हो, तो ये क्या हो जाएगा आपके, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि शॉर्ट शंट है, और जब कभी भी ऐसी बात आती है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने यही किया कि ये आर्मेचर है और ये वाइंडिंग है इस प्रकार से, ये तो ये जब ये वाइंडिंग जो पैरेलल है शंट वाइंडिंग है, यदि आर्मेचर आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के पैरेलल में हो तो वो तो होती है आपके लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। लेकिन ये पूछ रहा है ओनली फॉर आर्मेचर के, ओनली फॉर आर्मेचर के, यानी कि ये जो आर्मेचर है इसके पैरेलल में जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी आपके, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक डीसी जन क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर लेमिनेटेड होते हैं, यानी कि पटलित होते हैं? डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर लेमिनेटेड करने का क्या फ़ायदा है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो कारण होगा वो कौन सा होगा, 21 का, जल्दी से बता दीजिए, एडी करंट लॉस, किस चीज़ को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को। यदि आपसे पूछ रहा है कि एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड होता है तो बावर द्वारा हानि को रिड्यूस करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यदि आपसे पूछे कि सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं, तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग आप हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए करते हैं, सिलिकॉन स्टील। ये बहुत ज़्यादा फर्क है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछते हैं हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए किस चीज़ को यूज़ किया जाता है, तो वो तो है सिलिकॉन स्टील। यदि ये लेमिनेटेड करते हैं तो लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, बबल द्वारा हानि को कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? आर्मेचर धारा कम करे, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, कम वजन के साथ आर्मेचर चलाए, आर्मेचर का तापमान कम करें, तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन से, कम वजन नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, आर्मेचर द्वारा बिल्कुल नहीं होगा, तो बच्चा कौन सा होगा, रिड्यूस, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? तो क्या होगा, ब्रश को नुकसान से बचाएं, रेडियल मैग्नेटिज्म की रक्षा करें, आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें, या अतिभारित करने से बचें? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट क्वेश्चन आंसर होगा इसका क्या, रेडियल मैग्नेटिज्म से सुरक्षा प्रदान होती है,
रेडियल मैग्नेटिक डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही चलाने से इससे क्या क्या बिल्डअप होगा? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है दोस्तों, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन द लार्ज डीसी जनरेटर, यानी कि बड़े डीसी जनरेटरों में कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपके, तो ऑप्शन आपको दे देते हैं, अधिक लोड कनेक्ट करें, रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें, तीसरा है आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को बेअसर करें, और ऑप्शन डी है जनरेटर की दक्षता बढ़ाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन की प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर करता है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने के क्या कारण है? एक डीसी जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर रहा है, पैदा नहीं कर रहा है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? ढीले ब्रश संयोजन हो सकता है क्या? आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, फील्ड प्रतिरोध, क्रांतिक प्रतिरोध। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहीं से पता चल गया, फील्ड का जो प्रतिरोध है वो क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक है। ठीक है ना, फील्ड का जो रेजिस्टेंस है यदि क्रांतिक प्रतिरोध से दिए गए प्रतिरोध से अधिक होगा तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हो? जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हो? तो शंट जनरेटर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि यदि ये कोई आर्मेचर है डीसी मोटर का, जैसे ये आर्मेचर है और ये यहाँ पे शंट वाइंडिंग जुड़ी हुई है और ये सप्लाई निकालता है, शंट जनरेटर में सप्लाई निकालता है, तो ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब ये शंट जनरेटर है। ठीक है दोस्तों, समांतर में जुड़ा रहता है, और यही अगर सीरीज में जुड़ा होता, अगर ये सीरीज में जुड़ा होता तो ये सीरीज हो जाता है, सीरीज जनरेटर। ठीक है दोस्तों, डीसी जनरेटर में पॉल सू का उद्देश्य क्या है? पॉल सू का उद्देश्य यानी पॉल सू क्यों रखा जाता है? ठीक है, तो क्या एयर गैप को कम करें, क्षेत्र की ताकत बढ़ाए, चुंबकीय हानियों को कम करें, या एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके, गैप को समान रूप से, एयर गैप को समान रूप से में फ्लक्स को फैलाने का काम करता है पॉल सूज। ठीक है दोस्तों, और डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य? स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर के नाम से भी जानते हैं, स्प्लिट रिंग को हम किसके नाम से जानते हैं, स्प्लिट रिंग। एक होती है स्लिप रिंग, जो स्लिप रिंग मोटर आती है थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, और ये है स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग का मतलब कम्यूटेटर। तो ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है कि निरंतर वोल्टेज को बनाए रखता है, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, या रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा कि वो धारा को बढ़ाने का काम करता है, वो कौन सा हो जाएगा आपके, कलेक्ट दो करंट यूनि डायरेक्शनल, धारा को एक दिशा में बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किसका होता है, कार्बन ग्रेफाइट का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्यों डीसी जनरेटर अपने रेडियल चुंबकत्व को खो देते हैं? लोड में भारी शॉर्ट सर्किट, बिना लोड के लगातार चल रहा है, बिना रुके लगातार चलना, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपके विपरीत दिशा में, रोटेशन की दिशा को अगर आप चेंज कर दोगे, जिसकी वजह से डीसी जनरेटर पर रेडियल मैग्नेटिज्म खो देता है और वो वोल्टेज को बिल्डअप नहीं कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम 30 क्वेश्चनों का और अभ्यास करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।